दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप काफी अच्छे होंगे आप लोग भी। सो फ्रेंड्स, मिलकर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग के लिए। आज मैं बात कर रहा हूँ KTM Duke 200 के बारे में। आप लोग को 2019 की जगह 2020 में KTM Duke 200 क्यों लेना चाहिए, क्या मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और हाँ, इसका एक अपडेटेड मॉडल आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या है उस अपडेटेड मॉडल में, आपको क्या मिलेगा, हर चीज बताऊंगा इस वीडियो में। तो आखिरी तक वीडियो देखिए, बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मेरा नाम है रूपम और आपसे स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल रूपम ब्लॉग्स। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको जैसे क्लिक करेंगे ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना ना भूले, तो वीडियो की नोटिफिकेशन आएंगे। सो फ्रेंड्स, हम वैसे नहीं करते टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, KTM ने रिसेंटली लॉन्च किया KTM Duke 790, जो कि हायर सीसी बाइक है KTM की तरफ से। लेकिन इसके लॉन्चिंग इवेंट में एक अच्छी खासी न्यूज सब लोग को पता चल चुकी है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर भी बता देता हूँ, KTM Duke 200 का अपडेटेड मॉडल ये लोग लॉन्च करने वाले हैं 2020 के इनिशियल मंथ में ये लॉन्च करने वाले हैं। गाड़ी में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे और कुछ टेक्निकल चेंजेस होंगे, लेकिन इंजन आपको वही देखने को मिलता है। और बहुत भी था इस गाड़ी में अपडेट होना, बड़ी अपडेट की खबर हमको पता चली है सुमित नारंग से, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ प्रो बाइकर बजाज की तरफ से। ये अपडेट आया कि KTM Duke 200 का अपडेटेड मॉडल लॉन्च करने वाले, और ये लॉन्च ऑलमोस्ट 2020 के बीच में कभी भी हो सकता है, या तो इनिशियल में होगा या अप्रैल फर्स्ट से पहले कभी भी ये लॉन्च हो सकती है। अगर मैं अपडेट की बात करूं तो जो KTM Duke 200 है, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस होते थे, लाइक इसका डिजाइन थोड़े बहुत ग्राफिकली चेंज, लेकिन गाड़ी में कुछ भी मैकेनिकल और डिजाइन वाइज कुछ भी चेंज नहीं होता था, सेम वही आपको गाड़ी देखने मिलती है। रिसेंटली एवीएस वेरिएंट लॉन्च हुआ था और जो नॉन एवीएस उसको हटा दिया गया था, लेकिन गाड़ी के डिजाइन में कुछ भी चेंज नहीं किया था कंपनी ने, ऑलमोस्ट सिमिलर रखा गया था। लेकिन अब जो 2020 की जो आने वाली है KTM Duke 200, तो थोड़ा अलग होगा। बोला जा रहा है कि इसका जो सस्पेंशन है वो ज्यादा फोकस किया जाएगा रोड के हिसाब से या क्रूजिंग के हिसाब से, काफी स्टिफ होता था वो थोड़ा अच्छा कर दिया जाएगा, यानी हल्का सा सॉफ्टर साइड कर दिया जाएगा इस गाड़ी का जो 2020 में लॉन्च होगी 200। और इस गाड़ी के अगर मैं कुशनिंग की बात करूं तो सीट कुशनिंग का भी पता चला है कि थोड़ा बहुत ये लोग चेंजेस करेंगे, जिससे गाड़ी में बैठने पे ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इन 2020। ये सारी चीजें रेक्टिफाई की जाएगी और काफी अच्छी भी चीज है, ये सब रेक्टिफाई होगा तो काफी अच्छा है। और थोड़ा बहुत ये पता चला है कि हाँ, इसका जो हेडलाइट डिजाइन है थोड़ा सा कैरी किया जाएगा, जो ड्यूक 250 है ड्यूक 390 से थोड़ा सा कैरी किया जाएगा, लेकिन अभी देखते हैं कि एक्चुअल में जब लॉन्च होगी तो इसमें क्या अपडेट्स होंगे, इसकी टेस्टिंग जब चलेगी तब हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये गाड़ी क्या लॉन्च होने वाली है। और बात करूँ इस गाड़ी के अदर अपडेट्स की, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा मेरे हिसाब से, डिजाइन वही रहेगा। कंपनी बस थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज करेगी, थोड़ा सा टचअप देगी, थोड़ा सा ग्राफिकल चेंज किया जाएगा, देन इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और वैसे भी ड्यूक का भी सेल उतना ज्यादा नहीं है, अब क्यों नहीं है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ड्यूक 125 लॉन्च हो चुकी है, जो कि थोड़ा कम प्राइस में आपको मिल जा रही है, तो मैक्सिमम लोग ड्यूक 125 ले रहे हैं और बहुत लोग 250 ले रहे हैं, तो 200 कहीं ना कहीं मिस कर रही है अपना जो वैल्यू है मार्केट में, वो मिस कर रही है। तो कंपनी को कुछ ना कुछ इनिशिएट तो लेना था, एंड ये पता चल चुका है कि 2020 में ड्यूक 200 का अपडेट किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है, जरूरी भी था गाड़ी को थोड़ा इनिशिएट करना, थोड़ा सा अपडेट करना बहुत जरूरी था। गाड़ी को ऑलमोस्ट 2012 से 2019 हो गया, ज्यादा कुछ अपडेट नहीं हुआ है। अब बात आती है 2019 में ना लेके 2020 में क्यों ले। सो फ्रेंड, मैं अभी बता देता हूँ, 2019 में भी आप ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। PS4 आपको गाड़ी मिलेगी और दिसंबर तक तो काफी ज्यादा भारी मात्रा में आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को क्लियरेंस करना है और 2020 फर्स्ट अप्रैल से पहले BS6 कंप्लायंट गाड़ी को भी लॉन्च करना है। तो एक तरफ से देखा जाए तो उनका प्लानिंग यही है कि दिसंबर तक इसको खत्म करने का एंड 2020 अप्रैल से पहले इनको BS6 सारी गाड़ी में इंप्लीमेंट करना है। तो बहुत कुछ होगा, अभी देखिए दिसंबर के बाद तो गाड़ियों के फिर से झड़ी लग जाएगी, फिर से अपडेट होंगे BS4 से BS6 वाले बहुत सारी गाड़ी होंगे, तो उसमें देखा जाए तो KTM Duke 200 भी एक गाड़ी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट दी KTM Duke 200, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना। इस बाइक से रिलेटेड कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी हो तो प्लीज ये जो इंस्टाग्राम को जो हैंडल दिख रहा है इसको फॉलो करिए, विद इन 24 आवर्स विद इन 48 आवर्स अगर आपने मैसेज किया तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। Till then, I will see you soon in my next video, next blog, next review, kuch bhi ho sakta. Till then, bye and ciao.